आज के मॉर्निंग की शुरुआत होती है मेरे इन मसाले के बॉक्सेस को वापस से फिल करने में। लास्ट टाइम जब हमने किचन क्लीन किया था तब इन बॉक्सेस को भी धुल कर रख दिया था, सुबह तक ये सूख गए थे। तो अब इसमें हम सारे मसाले वापस से रख देंगे। ये जो है ना मेरे डेली खाना बनाने में बहुत हेल्प करते हैं और सारी चीज़ें एक साथ एक ही जगह मिल जाती है। अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए, पहले प्रेस कर लेते हैं। इस कपड़े का ना लक ही बेकार है, जितनी बार हम इसमें प्रेस करते हैं ना उतनी बार ये कहीं ना कहीं से जल जाता है। तो इससे पहले कि ये पहनने लायक था बचे इसको पहन डालते हैं। और ऐसी कंडीशन भी हो जाती है ना इसकी कि बिना प्रेस करने लायक, मतलब बिना प्रेस करके पहनने लायक भी नहीं रहता है ये। ऐसा ऐसा है, क्या करें, ऐसे ही पहन लें क्या। नहाने के बाद हमने पढ़ी अपनी जोहर की नमाज और फिर इसके बाद हम लग जाएंगे किचन में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। तो आज है 14 सितंबर और अभी 2 बज रहे हैं आई थिंक। तो अभी अभी जस्ट हमने नमाज़ पढ़ी है और अभी व्लॉग तो हमने सुबह से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अभी व्लॉग की स्टार्टिंग ले रहे हैं। तो अभी जा रहे हैं हम किचन में सब बर्गर बनाने के लिए। और खाना नहीं बन रहा है अभी, लंच जो है, क्योंकि रात का खाना जो है ना थोड़ा बहुत बच गया था तो वो अभी है और हम और रात ही हैं तो कितना खाएंगे, तो उतने में हम दोनों का हो जाएगा, तो इसलिए अभी खाना नहीं बन रहा है। चलिए चलते हैं किचन। बहुत टाइम से जुहान को मन हो रहा था बर्गर खाने का, बाहर तो हम लोग नहीं जा सके तो हमने सोचा कि बेसिक सा बर्गर घर पर ही बना देते हैं और खाने में भी वो बहुत टेस्टी लगता है। चलिए अभी हम दोनों जो है फटाफट से आलू छीलते हैं और ब्रेड हमारी रेडी है। मैगी मसाला इसमें हमने मिला दिया है, अब हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर और नमक। टेस्ट कर देते हैं, कहीं ज़्यादा नहीं हो जाए, इसको मिक्स कर देते हैं। तो ये हमारा बर्गर बनकर रेडी है। मैगी मसाला ऐड करने से इसमें 4 चांद लग जाते हैं। आपने अगर किसी भी चीज़ में मैगी मसाला नहीं यूज़ किया है तो एक बार यूज़ करके देखिए। हाय गाइस, अभी हो रहे हैं 8:30 और हम बना रहे हैं डिनर। किचन में थे अभी, गर्मी बहुत बुरी लग रही है, रूम में आ गए थे थोड़ा हवा लेने के लिए और बाहर अच्छी हवा चल रही है इसलिए हमने विंडो खोल दी क्योंकि थोड़ा सा हवा आती रहे, नेचुरल हवा की बात ही वैसे भी अलग होती, कितना भी पंखा कूलर एसी चला दे। तो भी बन रहा था हमारा डिनर। नेक्स्ट डे हो गया था गाइस और नेक्स्ट डे का व्लॉग शुरू होता है हमारा यहाँ से। यहाँ पे जुहान जो है वजू बना रहे हैं और हम उन्हें गाइड कर रहे हैं। तो आज जुहान ने मेरे साथ नमाज़ पढ़ी और यहाँ पे वो दुआ मांग रहा था और हम उसे बता रहे थे कि क्या क्या कैसे मांगा जाता है दुआ, तो वो थोड़ा शाय भी हो रहा था लेकिन वो साथ साथ मेरे रिपीट कर रहा था। हाय गाइस, नेक्स्ट डे हो गया है और सुबह से हमें बिल्कुल मौका ही नहीं मिला कि हम फ़ोन उठा के व्लॉगिंग स्टार्ट करें।
बस उस समय थोड़ी सी क्लिप हमने शूट की जब जुहान नमाज पढ़ने जा रहा था। फ्राइडे था, हमने उसको बोला कि मामू के साथ जाकर नमाज पढ़ लेते, तो बोला कि हाँ हमें पता ही नहीं था, तो फिर हमने बोला चलो साथ में पढ़ लो। तो आज जुहान ने पहली बार नमाज पढ़ी है, इससे पहले पढ़ चुके हो? पढ़े हो, मतलब मेरे साथ पहली नमाज पढ़ी। और बस अभी 5:15 हो रहे हैं, खाना हो चुका है, ब्रेकफास्ट सुबह ही हो चुका है, और रात गई हुई है बाहर किसी काम से। घर में हम और जुहान हैं, है ना जुहान, दोनों अकेले हैं। अब पता नहीं हम दोनों क्या करेंगे, तो अभी असर की नमाज़ पढ़ के हम दोनों ही, जुहान ने भी पढ़ी है, तो हम दोनों ही बैठे हैं यहाँ। और बस अभी देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तो बस हम रात के फ़ोन यूज़ करने वाले हैं और कुछ नहीं। तो चलिए जब कुछ होगा तब मिलते हैं आपसे। और फिर उसके बाद हमने कुछ भी शूट नहीं किया, बोला था कि शेयर करेंगे लेकिन फिर हमने शूट ही नहीं किया। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, मॉर्निंग से दोपहर तक जो है ना, मतलब फुल मेरे दिमाग में रहता है कि हम व्लॉगिंग कर रहे हैं, शूट करना है, कैसे कैसे शूट करना है कि थोड़ा अच्छा लगे। और जैसे जैसे शाम होती है ना, मेरा कैमरा मतलब मेरा फ़ोन जो है वो कॉर्नर में रख जाता है, फिर हमें ध्यान भी नहीं रहता कि हाँ हमें व्लॉगिंग करनी है, व्लॉग बनाना है। तो इसलिए सुबह की जो भी रूटीन है वो आपको देखने को मिलता है, शाम होते होते वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। लेकिन अब इंशाल्लाह हम ध्यान रखेंगे कि हम जो है ना सुबह से लेकर रात तक पूरी अच्छे तरीके से व्लॉगिंग करें, आपको बोर ना करते हुए। तो बस इसीलिए हम व्लॉग की एंडिंग भी नहीं ले पाते हैं, और चीज़ें भी कुछ चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं शेयर करने को। तो अभी हम इस व्लॉग को एंड कर रहे हैं, होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।